गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्ट 6 चैप्टर 1 क्वेश्चन का फाइनल पाथ। एटलीस्ट मेरे लिए था एक्सप्लोरेशन करने के लिए, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तब मेरे पहले से टोटल 10 में से जो है दो पाथ मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करके रखे थे। एंड ये सीरीज में 8वें नंबर का पाथ है, तो ऐसा करके टोटल 10 हो जाते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आपका जो मैंने पहले से कंप्लीट करके रखे एंड वो आपका कंप्लीट करना बाकी है, तो डेफिनेटली आप अपने हिसाब से भी जो है सेट कर सकते हो। पहले जो 8 है सीरीज़ में वो आप देख लो, कंप्लीट कर लो, एंड उसके बाद आप खुद भी जो है डिसाइड कर पाओगे एंड नोट्स पढ़ के जो है थोड़ा बहुत जो है आप आराम से सेट कर लोगे। तो इस वाले क्वेस्ट में भी इस वाले पाथ पर भी है एक या दो जो है मैंने चैंपियंस चेंज किए है। रेड मैग्नेटो लेके आया हूँ मैं, आई गेस लास्ट वाले पाथ से कंपेयर करें तो ह्यूमन टॉर्च की जगह पे रेड मैग्नेटो लेके आया हूँ। एंड आई गेस जस्ट वो ही एक चेंज है, उसके अलावा जो है दूसरा कोई भी टाइप का जो चेंज नहीं है। मॉल मैन जो है मैं लास्ट टाइम ही लेके आया था यहाँ पर, क्या कहते हैं, मून नाइट को किल करने के लिए, क्योंकि मून नाइट के पास काफ़ी सारी जो है एबिलिटीज़ है, काफ़ी सारी नहीं बट नोड है उसके पास कि वो काफ़ी सारा जो है इवेट करेगा। ऑलमोस्ट 50% है तो वो गारंटीड है कि पहले 10-15 हिट तो गारंटीडली इवेट करेगा। इवन आप ब्लॉक के थ्रू भी उसको हिट करने जाओगे ना तो फिर भी वो जो है इवेट करेगा, अनलेस एंड अनटिल आपके पास जो है कोई भी टाइप का इवेट काउंटर है। तो वैसे तो काफ़ी सारे स्किल क्लास में आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, तो ऑफ कोर्स एंड मॉल मैन तो देख ही सकते हो कि कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं, बट स्टिल जो है आपको जो है थोड़ा बहुत डैमेज का तो ये देख के जाना पड़ेगा। अगर आपके पास जो है कोई भी टाइप का ऐसा कोई रीजनरेशन चैम्पियन नहीं है कि जो काफ़ी सारा जो है हेल्थ रीजनरेट करता हो, तो आपको जो है स्टार्टिंग में शायद जो है क्या कहते हैं ये हेल्थ पोशंस पे काफ़ी सारा जो है स्पेंड करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे को अभी भी पता है जिस टाइम पे मैं कंप्लीशन कर रहा था उस टाइम पे मैं क्या कैसे करता था कि एटलीस्ट X6 चैप्टर 1 के बारे में बात करूँ तो एक पाथ जो है कंप्लीट करता था एक दिन, एंड फिर जो है मेरे उसमें एक पाथ तो नहीं, 2-3 क्वेस्ट जो है कंप्लीट करता था। एंड उन 2-3 क्वेस्ट में भी जो है मेरे आई गेस 10-25 हेल्थ पोशंस चले जाते थे। एंड देन फिर मैं जो है वापस रियल्म ऑफ लेजेंड में जाता था जब तक कि मेरे सारे के सारे पोशन जो है एकदम फुल नहीं हो जाते, एंड फिर जो है बाहर के स्टेज में ओवरफ्लो नहीं हो जाते तब तक मैं जो है उनको स्टोर करता था। एंड फिर जैसे ही वो फुल हो जाए उसके बाद मैं वापस जो है क्वेस्ट में एंटर करने के लिए जाता था। तो ऐसा करके मेरे को करना पड़ता था, बट अभी के केस में देखे तो काफ़ी सारे नए चैंपियंस मिले जो रीजनरेट करते हैं एंड डैमेज भी जो है इग्नोर कर सकते हैं अगर आप सही से खेलो तो। ऑफकोर्स गोस्ट आप देख ही सकते हो, ये वाली फाइट थोड़ी बहुत जो है दिक्कत वाली क्योंकि एस्पेक्ट ऑफ वॉर है एंड बैकअप रिकवरी इतनी कुछ खास नहीं है, बट एस्पेक्ट ऑफ वॉर जो है वो दिक्कत दे सकता है क्योंकि वो हैवी अटैक करते टाइम अनस्टॉपेबल हो जाएगा। एंड अगर आप फाइट जल्दी से ख़त्म ना करो तो वो एक सर्टेन पॉइंट के बाद जो है टोटली अनब्लॉकेबल हो जाएगा, बट उसके लिए अगर आप जो है इंटरसेप्ट करते हो तो वो उसका अनस्टॉपेबल जो है आप उसको काउंटर अटैक कर सकते हो। तो जस्ट ये नोड जो है थोड़ा बहुत आपको ध्यान में देना पड़ेगा एंड बाकी अलावा कोई नहीं। अगर इस वाले फाइट के लिए जो है आप रेड मैग्नेटो लेके जाते हो तो भी काम करेगा, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि रेड मैग्नेटो लेके जाओगे तो क्या होगा कि आधे टाइम एबिलिटीज़ काम करेगी एंड आधे टाइम काम करना बंद कर देगी। तो ये आपके हाथ में नहीं होगा कि कौन सी एबिलिटीज़ किस टाइम जो है काम करेगी। सपोज़ हाउट द डे क्वालिफाइड में ही वो कभी भी जो है अनस्टॉपेबल हो जाएगा जब आपको पता ही नहीं था, तो उसके अलावा कोई नॉर्मल वाला चैंपियन ले जाओ तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि भाई वो इस टाइम पे हैवी अटैक करेगा तो वो गारंटेडली अनस्टॉपेबल हो जाएगा। तो मैं जस्ट उस वाली फाइट के लिए रेड मैग्नेटो रिकमेंड नहीं करूँगा। उसके बाद जो है पास है आई गेस 3 फाइट्स है, 3 वैसे भी 2 है देखा जाए तो उन दोनों के लिए जो है आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है ये हमारा एक्रोचिंग स्टन है एंड लूप केज है। तो एक्रोचिंग स्टन वाला तो आप सभी को पता ही है कि स्टन टाइमर जैसे ख़त्म होना है उस टाइम पे आपका स्पेशल अटैक ऑन होना चाहिए, या तो फिर स्टन इम्यून वाले चैंपियन ले जाओ जैसे कि अभी तो हर्क्यूलिस है, उसका फीट ऑफ इंडस्ट्रक्टिबल जो है आप गेन करते हो। तो जैसे एक स्टन डिबफ अप्लाई होता है एंड आपके पास एक से ज़्यादा फीट है वो वाले कंप्लीटेड, तो जस्ट एक फीट आपका स्पेंड हो जाएगा एंड आप जो है स्टन इम्यून हो जाओगे एटलीस्ट एक बार। एंड ये काफ़ी इजी है, एटलीस्ट आप सभी के पास तो आई गेस 5 या तो फिर 6 स्टार में तो हो गई। रिसेंटली ये मेरे को अभी जो है 6 स्टार में से मिला एंड मैं जल्दी से जो उसको रैंक 3 पर लेके गया, बट उसकी भी जो अभी तक मैंने वीडियो नहीं निकाली है, रिकॉर्ड करके रखी। आई गेस इसके नेक्स्ट वाली वीडियो शायद होगी कि मैं उसको रैंक अप कर रहा हूँ एंड थोड़ा बहुत जो है थोड़ा गेम प्ले दिखाऊंगा एंड उसको कैसे खेला। ये कोर क्वालिफाइड भी ऑलमोस्ट काफ़ी ईजी है, बट
मेनली इस वाली फाइट में जस्ट ये देखना है कि आपको कॉर्क को कैसे खेलना है एंड उसका SP1 कैसे बेट आउट करना है एंड उसकी जो एबिलिटीज है वही सारी एंड काफ़ी सिंपल है। बाकी अलावा दूसरा कुछ है नहीं फाइट में, बट आप देख सकते हो गोस्ट भी एक काफ़ी अच्छी खासी यूज़फुल चैम्पियन है। बट गोस्ट के साथ आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, नॉर्मल फाइट में कैसा कि आप अटैक करना स्टार्ट करते थे मीडियम अटैक से, तो इस वाली फाइट में मीडियम अटैक की जगह पे आपको लाइट अटैक से इंटरसेप्ट करना है एंड तब तक इंटरसेप्ट करना है जब तक कि उसके रॉक शील्ड चार्ज जो है वो एकदम रिफ्रेश होने नहीं लग जाते। तब तक जो है जैसे ही रिफ्रेश होने स्टार्ट हो जाते हैं वो लोग, तो आप जो है नॉर्मल अटैकिंग वाला कर सकते हो, या तो फिर जो है आप डायरेक्टली रेड मैग्नेटो भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि उसके हिट्स जो है वो एनर्जी बेस्ड अटैक्स है एंड वो आपको जो है वो डैमेज रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। एंड ये वाला तो देख सकते हो हैशटैग मेटल वाला चैंपियन है, तो डायरेक्टली जस्ट रेड मैग्नेटो यूज़ कर दो एंड मेनली जो है सारे के सारे नोड आप इग्नोर कर सकते हो, दो ही नोड है बट ये ऑफकोर्स इग्नोर कर सकते हो। एंड साथ ही साथ जो है ग्लोबल नोड है वो भी बीच बीच में काम करना बंद कर देगा। हो सकता है कि आपको देख ही सकते हो कि ये तो नोड की वजह से मैं इतना सारा डैमेज ले रहा हूँ, बट आप काफ़ी सारा टाइम देखोगे मैं 2 से 3 बार डैश बैक करता हूँ तो बीच बीच में नो रेटेड वाला नोड एक्टिवेट हो जाता है एंड बीच बीच में वापस जो है काम करना बंद कर देता है। तो जैसे कि मैं बताया ये आपके हाथ में नहीं है कि आप किस टाइम पे अलाउ करो कि नोड काम करेगा या किस टाइम पे नहीं, चांस पर डिपेंड करता है। बट लकीली देख सकते हो काफ़ी सारे टाइम जो है अभी तक भी जो है नोड काम करते हुए नहीं दिख रहा है नो रेटेड वाला, तो अच्छा खासा है। इस वाले पॉइंट पे देख ही सकते हो 565 वाला है, इवन रैंक 4 लेवल 55 वाला भी काम कर सकता है। बट मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि एक मैग्नेटो तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट 6 स्टार नहीं तो 5 स्टार। एंड इसको अवेकनिंग की ज़रूरत नहीं है देखा जाए तो, अवेकनिंग आई गेस इसको जो है थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन तो वैसे भी इसको खास कोई जो है ज़रूरत नहीं है अगर इसके सामने हैशटैग अपोनेंट मेटल वाला हो तो, क्योंकि वैसे भी इसको परफेक्ट ब्लॉक है, काफ़ी सारा जो है साइड से डैमेज मिल जाता है। इतना सारा मार खाने के बाद भी वो अपने आप जो है मर गया है मेरे ब्लीड के वजह से। एंड ये ऑफकोर्स आप सभी को पता ही है कि मैग्नेटो के सामने अगर हैशटैग मेटल वाला चैंपियन हो तो वो वैसे भी डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा। ओके, ये पूरे के पूरे क्वेस्ट में 100% एक्सप्लोर करने के लिए ये लास्ट फाइट है। जैसे ये फाइट ख़त्म हो जाएगी बेसिकली हमने क्वेस्ट का 100% एक्सप्लोर कर दिए, बट क्वेस्ट कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि हमने अभी तक जो है फाइनल बॉस को डिफीट नहीं किया। ओके, सो ये वाला भी क्या कहते हैं ओमेगा रेड है एंड ओमेगा रेड भी हैशटैग मेटल में आता है, तो ऑफकोर्स मैंने सेम चैंपियन यूज़ किया। उसके रोड नोड्स में है अग्रेसिव रीजन एंड कॉर्नर नोड है। अभी कॉर्नर नोड जो है आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि अगर आप वॉरलॉक जैसा कोई लेके आते हो तो एंड उससे अगर आप ब्लीड अप्लाई करते हो तो उसको जो है काफ़ी सारा पावर गेन मिलेगा। एंड ये कॉर्नर नोड भी 200% वाला है, मतलब कि आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा, आप हैवी अटैक लगाते हो उसको ब्लीड मिलेगा बट वो ब्लीड से जो है उसको काफ़ी सारा जो पावर गेन मिलेगा एंड वो बैक टू बैक SP2 भी लॉन्च कर सकता है, इवन SP3 पर भी पहुंच सकता है। तो जस्ट अगर आप कोई भी रोबोट चैंपियन लेके जा रहे हो तो जस्ट ध्यान रखना कि डैमेज ओवर टाइम वाले डीबफ ना अप्लाई करो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। गोस्ट भी मैं जो है ले जा सकता था बट मैं मैग्नेटो लाया था तो मैं सोचा कि चलो यूज़ ही कर लेते एंड मैग्नेटो जो है फाइनल बॉस के लिए काम नहीं आएगा क्योंकि सेबर टूथ जो है वो हैशटैग मेटल में नहीं है, अगर वो यूज़ हो पाता तो फिर तो क्या ही होता कि उसका जो है हील ब्लॉक वैसे भी अप्लाई हो जाता ऑटोमेटिकली, बट ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं, अपने पास दूसरे भी ऑप्शन है उसको डिफीट करने के लिए। एंड यस, देख सकते हो ये फाइट कंप्लीट होने के बाद जो है 100% एक्सप्लोर हो चुका है, बट स्टिल एक लास्ट स्टेप बचा है हमको कि इस बॉस को डिफीट करना है। एंड जैसे कि प्रीवियस वाले सारे के सारे वीडियोस में बताया, मैं थोड़ा और भी दे देता हूँ अगर ये पहला वीडियो है आपका सीरीज़ में देखने के लिए। सो इनडोमिटेबल है, ऑसिलेट है, डेसिमेशन है एंड ऑप्टिमिस्ट है, तो दो नोड को इग्नोर आप कर सकते हो, डेसिमेशन और ऑप्टिमिस्ट। बट ऑसिलेट ऐसा नोड है कि वो जब तक कि वो फ्यूरी एक्टिव है वो अग्रेसिव रहेगा एंड जैसे वो आर्मर अप में कन्वर्ट हो जाती है फ्यूरी वो काफ़ी डिफेंसिव हो जाएगा, आपका डैमेज भी जो होगा ना वो लिटरली काफ़ी कम होगा, इवन क्रिटिकल जो है वो कम डैमेज करेंगे एंड फिर जो है वो काफ़ी क्या कहते हैं डिफेंसिव हो जाएगा। एंड उस टाइम पे देख सकते हो वो काफ़ी सारी जो है हीलिंग कर रहा है, लिटरली 1700 से 2000 तक की जो हीलिंग कर रहा है वो भी हर आधे सेकंड में, तो एक सेकंड के हिसाब से 4000 से लेके 4500 तक की वो हीलिंग कर रहा है। अगर आप उसको काफ़ी टाइम देते हो तो वो ऑलमोस्ट आपने जितना डैमेज किया है उतना सारा का सारा वो जो है हील कर लेगा। और नो डाउट हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी है जैसे कि हील ब्लॉक अप्लाई कर सकते हो एंड इनडोमिटेबल एक और नोड है कि आप कोई भी उसका हील रिवर्स करने जाओगे तो वो रिवर्स होने की बजाय
ऑन द स्पॉट जो है स्टॉप हो जाएगा, मतलब हील ब्लॉक हो जाएगा, हील रिवर्स के बजाय, तो उस बात का देखना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स ये क्या कहते हैं अपना वॉरलॉक है, अच्छा खासा ऑप्शन है। एंड अभी तो रोबोट्स काफ़ी अच्छे खासे हैं जो काम कर सकते हैं, इवन हल्क बस्टर भी इसको आराम से डिफीट कर सकता है। बट मेनली फिर बात आती है कि नो रिट्रीट वाला नोड है, उसको आपको जो है थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स देख सकते हो मैं फिर बच्चा कुचा जो है फिनिश करूँगा वॉरलॉक से। एंड मेरे पास फुल्ली क्या कहते हैं फुल हेल्थ वाला वॉरलॉक था, फिर भी मैंने जो इसको स्टार्टिंग से यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर हो सकता है मैं वॉरलॉक लेके जाऊँ एंड जस्ट एक SP2 खा लूँ, SP1 भी, SP2 नहीं, SP1 खा लूँ, तो मैं ऑन द स्पॉट जो है डेथ हो सकती है वॉरलॉक की। एंड डेफिनेटली वो मैं नहीं चाहता क्योंकि अभी के लिए फिलहाल में मेरे टीम में जस्ट वही एक ऑप्शन बचा है। तो मैं क्या कहता हूँ कि मेरे दूसरे बेकार में जो वेस्ट होने वाले चैंपियन है क्योंकि वैसे भी जो काम करने नहीं वाले, तो मैं जस्ट ले जाके देखता हूँ कि वो कितना डैमेज कर पाते हैं कितना नहीं। अगर अच्छा खासा डैमेज हो पाता है तो ठीक है, बाकी बच्चा कुचा जो है हम लोग वॉरलॉक से फिनिश कर सकते हैं। वही चीज़ जो है यहाँ मैं कर रहा हूँ। एंड फिर या एक ही SP3 बचा है, इवन अगर मैं SP3 लॉन्च करता हूँ तो उसका पावर कंट्रोल काफ़ी सारा रहेगा। वॉरलॉक के सामने अगर कोई हील करता है ना, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर उसके ऊपर टेक्नो ऑर्गेनिक्स वायरस एक्टिव है, तो आप देख पाओगे कि उसकी जो पावर मीटर है वो धीरे धीरे जो है कम हो जाएगी। अभी वो जितनी ज़्यादा हीलिंग करेगा उतनी ज़्यादा जो है उसकी पावर ड्रेन होती जाएगी। एंड यहाँ पर तो टोटली ड्रेन हो चुकी क्योंकि SP3 की वजह से। एंड या ऑफकोर्स आप देख सकते हो ऐसे करके जो है हमने इस वाले फाइनल बॉस को भी डिफीट कर लिया है। आई गेस टेक्निकली तो 10वें टाइम जो है डिफीट कर लिया है क्योंकि चैप्टर में जो है क्वेस्ट में 10 पाथ है। एंड देख सकते हो ऊपर 100% एक्सप्लोर लिखा हुआ आ चुका है। अभी मेरे को गारंटीडली पता नहीं कि मैं नेक्स्ट वाला क्वेस्ट कब स्टार्ट करूँगा, बट डेफिनेटली अगर करता हूँ तो वैसे ही सेम इस तरह ही सीरीज़ बनाऊँगा कि एक एक बात करके जो है कंप्लीट करूँ। अगर मैं चाहता तो सारे के सारे वीडियो को जो है एक ही एक घंटे के वीडियो में डाल देता, बट फिर वो मेरे को लगा कि वो थोड़ा बहुत काफ़ी रैंडम रहेगा एंड ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लोग जो है जस्ट ऐसा ही करते, तो मैं जस्ट जो है एक एक वीडियो करके डालना चाहता था अगर किसी को स्पेसिफिक पाथ चूज़ करना हो तो। सो या इतना सा था वीडियो। एंड होपफुली अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।